फॉस्फोरस के पेंटाहलाइड्स के बाद अब हम जाएंगे ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। पहली केमिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया हाइड्राइड्स, जिसमें हमने देखा EH5 टाइप के हाइड्राइड्स बनाते थे, सॉरी EH3 टाइप के हाइड्राइड्स। बट जब हम हैलाइड्स के बारे में बात करें तो हैलाइड्स में आपको देखा कि EX3 और EX5 दो टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, जिनमें हमने देखा कि कुछ सेक्शन में नाइट्रोजन तो ऑलवेज केवल EX3 ही बनाएगा, बट फॉस्फोरस और आर्सेनिक एंटीमनी दूसरे एलिमेंट जो हैं वो EX5 भी बनाते हैं हैलाइड्स में। अब हम बात करेंगे थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है ऑक्साइड्स। थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्शन है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स ऑफ 15th ग्रुप के ऑक्साइड्स देखिए, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अलग अलग टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। पहले मैं आप लोगों को ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, आपको पहले नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बताता हूं। नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं वो आप देख रहे हैं। फॉस्फोरॉल नंबर 1 पहला, N2O, सेकेंड NO, थर्ड N2O3, फोर्थ N2O4, लास्ट N2O5। N2O is called nitrous oxide और नाइट्रोजन का अलग अलग डिवीजन है। नाइट्रस ऑक्साइड क्यों कहा गया? बिकॉज वैलेंसी कम है, नाइट्रोजन का नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कम है। दूसरा, इट इज आल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस। यस, बिल्कुल हंसाने वाली गैस है, लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नंबर 1 नाइट्रस ऑक्साइड, सेकेंड NO नाइट्रिक ऑक्साइड, थर्ड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, सॉरी टेट्रा, फोर टेट्राऑक्साइड, लास्ट इज नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स हैं जिनको देख रहे हैं आप लोग। सभी ऑक्साइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट यूजफुल है ना। सभी का अलग अलग अपना ओरिएंटेशन है, किसका क्या नाम है, हर एक ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है, ठीक है, और उनको अरेंज करने का तरीका अलग है। +1 +2 +3 +4 +5 ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर है हर एक का। पहले वाले में ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, +2 है, +3 है, +4 और लास्ट में +5। आप देखें हर एक ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता जा रहा है। नाइट्रोजन अलग अलग टाइप के ऑक्साइड से बनाता है, 5 टाइप के ऑक्साइड बनाता है, N2O, NO, N2O3, N2O4 एंड N2O5। N2O4 के साथ एक और ऑक्साइड आप यूज कर सकते हैं इसी जगह पे, NO2। यहीं पे नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जगह पे NO2 भी आ सकता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का लगभग 4 है, +4 ही, और वो है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 NO2 N2O4 दोनों एक ही हैं। N2O4 में दो NO2 के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर N2O4 टेट्रा ऑक्साइड में शिफ्ट हो जाता है, NO2 डाइऑक्साइड था, है ना। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +4 ही है, फिक्स है, नो चेंज, बिल्कुल चेंज नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर में। नाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बाद सेकेंड हेडिंग है ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स। फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? तो जनरली फॉस्फोरस दो टाइप के ऑक्साइड शो करता है, दो उसके मेन ऑक्साइड है। वन इज P2, यस बिल्कुल एकदम परफेक्ट, ठीक है। P2 से यहाँ स्टार्टिंग नहीं होता, ठीक है। P4O6 एंड P4O10। P4 क्योंकि फॉस्फोरस अपने टेट्रावेलेंट फॉर्म में होता है, P4O6 पहला ऑक्साइड, सेकेंड ऑक्साइड इज P4O10। P4O6, P4O10. P4O6 is called phosphorus. Phosphorus trioxide. Second is called phosphorus pentaoxide. Pentaoxide, trioxide and pentaoxide, बहुत MP है। P2O3, P2O5 इन्हीं का एक वर्जन है, अलग अलग तरीके से लिखा गया है। कैसे बनते हैं इनके स्ट्रक्चर्स? आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे हैं। सबसे पहले फॉस्फोरस, फॉस्फोरस P4O6, देखिए आप लोग अरेंजमेंट देखिएगा कैसे हम अरेंज कर रहे हैं। स्टेप्स P4O6 यहां पे एक एक लोन पेयर इनके पास प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं P4O6 का है, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड, P4O6। P4O6 का स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जहां जहां फॉस्फोरस लगा हुआ है बस उस फॉस्फोरस के साथ, सॉरी यहाँ बीच में P नहीं आएगा, O आए, यहाँ पे आपको चेंज करना है। सभी बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड से आप ऑक्सीजन को कनेक्ट करेंगे और आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस टाइप का। मैं यहाँ बना रहा हूँ इस जगह पे, शायद बन जाए इतने समय, और मैं कुछ रिमूव कर देता हूँ, कुछ पार्ट। देखिए आप लोग इस वाले हिस्से को हटा रहा हूँ ताकि यहाँ पे हम लोग फॉस्फोरस P4O10 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाए। देखिए आप लोग सबसे पहले फॉस्फोरस बीच में ऑक्सीजन, और मैंने जैसा आपको कहा कि डबल बॉन्ड के साथ हर तरफ इसमें बॉन्ड जो अरेंज हो रहा है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ वो हर तरफ चारों तरफ कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट है। पहला वाला स्ट्रक्चर जो है ये P4O6 का है और सेकंड स्ट्रक्चर इज P4O10 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड यहां पर अरेंज किया गया है। आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि आपके पास दो टाइप के स्ट्रक्चर्स अरेंज है। फर्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन 5 टाइप के ऑक्साइड्स हैं N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और सेकंड वाले में आप देख रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस जिसमें हमारे पास फास्फोरस के सारे ऑक्साइड्स हैं लाइक P4O6 फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, P4O10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। यहाँ पे आपने एक चीज और देखी कि अलग अलग बॉन्ड एंगल भी है लाइक बॉन्ड एंगल POP का बॉन्ड एंगल, सेकंड बॉन्ड एंगल OPO, दो यहाँ पे एंगल्स आप देख रहे हैं। पहला एंगल ये वाला आप देखिए फर्स्ट, सेकंड एंगल आप ये वाला देख रहे हैं। ये दो डिफरेंट टाइप के एंगल्स से हर जगह पे एक जैसे ही इक्वल है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल में आप देखेंगे पीओपी का जो बॉन्ड एंगल है फास्फोरस ऑक्सीजन और फास्फोरस का जो बॉन्ड एंगल है वो ग्रेटर देन ओपीओ का बॉन्ड एंगल, ठीक है हम लोग देखते हैं। ठीक है आप अगर एंगल निकालेंगे एंगल जो पीओपी का एंगल है पीओपी पी बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ, सपोज मैं इसको अल्फा नाम देता हूं और इसको बीटा नाम देता हूं तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा बीटा से ज्यादा होगा। पीओपी बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन ओपीओ बॉन्ड एंगल बिकॉज आप देख रहे हैं एक्सपांडेड है मोर देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री ज्यादा है 109 डिग्री समथिंग, अलग अलग टाइप के डिवीजन है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास अलग अलग बॉन्ड लेंथ भी है, कुछ बॉन्ड लेंथ जो बार बार फ्रीक्वेंटली पूछी गई है। एग्जाम्पल P बॉन्ड O फास्फोरस और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड लेंथ PO OP PO OP के बीच का बॉन्ड लेंथ और एक बॉन्ड लेंथ आप देखेंगे जो केवल फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्रेजेंट होती है P डबल बॉन्ड O। फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और फास्फोरस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होगा ज़्यादा होगा और डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो आपका कम होगा। बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड पे। अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है बिकॉज डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाता है, उसका जो लेंथ है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ओके नाउ ग्रेजुअली हम लोग देखते हैं अलग अलग सेक्शंस में कैसे आप लोगों ने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस के बारे में स्टडी की। जब हम फास्फोरस के बारे में स्टडी करते हैं तो फास्फोरस के बारे में हमें दो टाइप के ऑक्साइड्स इसमें आते हैं जो मैंने आपको बताया। दोनों ऑक्साइड्स का रियल स्ट्रक्चर कैसा होता है मैंने वो बताया, हर एक के बीच का बॉन्ड एंगल क्या है, हर एक के बीच का लेंथ कितना है, कौन कौन सी लेंथ है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ठीक है। तो आप इनको पहले सेक्शन वाइज लिखते सो उसको पूरा फिनिश करो ना, ठीक। ऑक्साइड्स के बाद अब हम बात करेंगे, ठीक, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर वन, पहला सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी की है वो है आपके हाइड्राइड्स। सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैंने स्टडी की है वो है आपका हैलाइड्स और थर्ड प्रॉपर्टी जिसके बारे में डिस्कस किया आपसे वो था ऑक्साइड्स। नाउ फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज इज ऑक्सो एसिड। यस बिल्कुल। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है आप लोगों के लिए ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड मीन्स जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के एसिड्स बनाते हैं तो हम उनको ऑक्सो एसिड्स कहते हैं। नॉर्मली ऑक्सो एसिड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड अलग है और फास्फोरस के ऑक्सो एसिड अलग है। ठीक है, नाउ सबसे पहले मैं आपको नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड बताता हूं। नंबर वन ए करके हम लोग इसे मेंशन करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में हमें तीन टाइप के ऑक्सो एसिड मिलते हैं, दो टाइप के ऑक्सो एसिड मिलते हैं। सबसे पहला HNO2, HNO2 is called nitrous acid, nitrous acid. Second, HNO3, HNO3, nitric acid. First is nitrous acid, HNO2, nitrous acid. Second is HNO3, nitric acid. ये दो ऑक्सो एसिड है। पहले वाले में आप देखेंगे HNO2 में ऑक्सीजन +5 पे है, वहीं पे HNO3 में ऑक्सीजन जो है, सॉरी पहले वाले में नाइट्रोजन +3 पे है ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंड वाले में ये जो है वो +5 पे है। +3 पे होने के कारण ही आखिरी में आप देख रहे हैं अस आ रहा है, और +5 में होने के कारण आखिरी में आप देख रहे हैं कि इक आया है। अस और इक, नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस एसिड HNO2 और नाइट्रिक एसिड इज HNO3। स्ट्रक्चर अरेंजमेंट इनका बहुत सिंपल है, कॉमन है। सेंटर एलिमेंट आप नाइट्रोजन रखेंगे और उसके बाद आप उसको अरेंज करेंगे। नाउ सेकेंड बी वाला जिसके जो मोस्ट आईएमपी है वो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। अगर आप फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड देखेंगे तो फॉस्फोरस के अलग अलग टाइप के कई ऑक्सो एसिड है जो फ्रिक्वेंटली यूज में आते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है 1 S3PO2, सेकेंड S3PO3, थर्ड S3PO4, फोर्थ H4P2O7, कुछ मैंने ऑक्सो एसिड आपके सामने लिखे हैं फास्फोरस के जो आईएमपी हैं। सबसे पहला S3PO2, S3PO2 इज कॉल्ड हाइपो फॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड। Second, S3PO3 is called orthophosphorus acid, S3PO4 is orthophosphoric acid, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। H4P2O7 is called pyrophosphoric acid। pyrophosphoric acid। देन आपने क्या देखा कि सबसे पहले H3PO2 जो मैंने लोड किया है इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO3 इज कॉल्ड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। H3PO4 इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, IC। ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ता है तो अस-इक में शिफ्ट हो जाता है, जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो अस आता है नाम के एंड में, सफिक्स के फॉर्म में। लास्ट वाला देख रहे हैं आप लोग H4P2O7। H4P2O7 इज आल्सो कॉल्ड पायरो ग्रुप आ जाता है, बीच में ऑक्सीजन तो होता है फॉस्फोरस। H4P2O7 इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर्स इनके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्या है देखिए आप लोग, एक एक करके स्ट्रक्चर बताता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 फर्स्ट पहला वाला S3PO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखिए आप लोग। तो सबसे पहले सेंटर में फास्फोरस को आपने कनेक्ट किया, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड के साथ OH। S3PO2 देखिए आप लोग, देन हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, 1 फास्फोरस है और 2 ऑक्सीजन है। S3PO2 का स्ट्रक्चर कुछ टाइप का है, लेकिन इस एक स्ट्रक्चर से हमें और भी बहुत सारी चीजें जनरेट होती हैं। क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा S3PO3 S3PO3 से हमारे पास सेंटर में फास्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH और H। थर्ड S3PO4 S3PO4 के बारे में जब आप बात करेंगे तो सेंटर में फास्फोरस, S3PO4, लास्ट फोर्थ वाला H4P2O7, स्ट्रक्चर कुछ टाइप से होगा, फास्फोरस, P डबल बॉन्ड O, OH और OH। आप देख रहे हैं अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से किया गया है। H4P2O7 यहाँ पे आपके सभी ग्रुप्स अलग अलग हैं, सेपरेट। किस ग्रुप को क्या बोलेंगे वो डिपेंड करता है। S3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसमें आप देख रहे हैं इसका बेसिसिटी देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे 1 है, एक ही OH ग्रुप है बेस्ट सिटी 1 है, इसीलिए इसका एक नाम और है मोनोप्रोटिक। मोनोप्रोटिक मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड। सेकेंड वाला देख रहे हैं, बेसिसिटी 2 है, सॉरी ये थर्ड वाला है, बेसिसिटी 3 है और इट्स कॉल्ड ट्राइप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एसिड। सेकेंड बेसिसिटी 2 है, और ये डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड। लास्ट वाला बेसिसिटी 4 है, और आप देखेंगे टेट्राप्रोटिक एसिड, टेट्राप्रोटिक प्रोटिक टेट्राप्रोटिक एसिड। डिपेंड करता है कि आप कितने OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, जितने हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे उतना ही इसका बेसिसिटी का नेचर रहेगा, बेसिसिटी रहेगी। और प्रोटिक नेचर, प्रोटिक मतलब H पॉजिटिव आयन कितने रिलीज कर पा रहा है, वो भी OH पे डिपेंड कर रहा है, वहीं से H पॉजिटिव आयन रिलीज कर पा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस के बारे में आपको बताया। ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन HNO2, HNO3 नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड है। वहीं पे ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड में आपने देखा S3PO2 सामने मेंशन किया है मैंने, है ना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड S3PO2, हाइपोफॉस्फोरस एसिड S3PO3, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड S3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरस था ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, H4P2O7 पायरोफॉस्फोरस एसिड। कुछ इनिशियल पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको खास ध्यान देना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं नाइट्रस एसिड के बारे में बात करूं, ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के दो ऑक्सो एसिड है, एक HNO2, HNO3, ये +3 पे है, नाइट्रस एसिड +3 पे है ऑक्सीडेशन स्टेट, HNO3 में नाइट्रोजन +5 पे है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए इसका नाम नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रेशन प्रोसेस में कई जगह फ्रिक्वेंटली यूज किया गया है। ये नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड है, लेकिन मोस्ट टाइम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। कई बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है फास्फोरस का ऑक्सो एसिड के बारे में। तो फास्फोरस के ऑक्सो एसिड में क्या क्या हो जाएगा? सबसे पहले नंबर 1 S3PO2, हाइपोफॉस्फोरस एसिड S3PO3, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड S3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और H4P2O7 इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर कैसा होगा? कई बार स्ट्रक्चर आपसे पूछे गए हैं, फ्रिक्वेंटली स्ट्रक्चर पूछे गए हैं, तो आपको स्ट्रक्चर याद रहे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, पहला वाला स्ट्रक्चर S3PO2, फॉस्फोरस सेंटर में, एक तरफ ऑक्सी ग्रुप एक तरफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये कंपल्सरी है। आप देखेंगे कि कोई भी ऑक्सो एसिड आप जब बनाएं, जब भी कोई ऑक्सो एसिड ड्रॉ करें, तो सेंटर में फास्फोरस, एक तरफ वन साइड डबल बॉन्ड के साथ O और एक साइड में सिंगल बॉन्ड के साथ OH, ये कंपल्सरी है, तो ही ऑक्सो एसिड स्टार्ट होगा। ऑक्सो एसिड में सेंट्रल एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप होना जरूरी है, तो ही वो ऑक्सो एसिड बनेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, पहला वाला S3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, बेसिसिटी 1 है बिकॉज एक सिंगल हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH एक ही है, इसलिए बेसिसिटी 1 है। मोनोप्रोटिक एसिड भी कहलाता है। साथ में इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप फाइंड करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? देखिए 1, 2, 2 ऑक्सीजन है, 2 to the 4, 1, 2, 3 हाइड्रोजन है, 3, 4 में से 3 माइनस किया तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर आप एक पॉइंट और लिखना चाहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो +1 है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। सेकेंड वाला देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे सेकंड वाला आपने कहा S3PO3 है, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दो हाइड्रोक्सी कार्बन बेस C2 है और ये डायप्रोटिक है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका 1 2 3 3 2 6, 6 में से 3 माइनस किया तो यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 पे है। थर्ड वाले पे आप जाएंगे S3PO4। S3PO4 में आप देखेंगे फास्फोरस सेंटर में, तीन तरफ हाइड्रोक्सी ग्रुप वन साइड, डबल ओ ग्रुप, बेस C3 है, ट्राइप्रोटिक एसिड है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका जो है 1 2 3 4, 4 2 8 में से 3 माइनस किया, ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, +5 ऑक्सीडेशन नंबर है। नाउ लास्ट वाला H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 7 है टोटल, 7 2, अलग अलग डिवीजन करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 14, 14 में से 4 हाइड्रोजन माइनस हो जाएंगे 10, और 10 में से 2 फास्फोरस को बटेगा तो ये कितना हो जाएगा +5 +5, यानी दोनों फास्फोरस का ऑक्सीजन नंबर +5 +5 है। देख रहे हैं आसानी से आप लोग ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस को मैनेज कर सकते हैं। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड बहुत ही आईएमपी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग ऑक्सो एसिड के ऑक्सीडेशन नंबर, अलग अलग ऑक्सो एसिड की बेसिसिटी, ऑक्सो एसिड की प्रोटिक नेचर, ऐसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आए हैं। अगर आप एक बार स्ट्रक्चर बनाना अच्छे सीख गए है ना, फॉस्फोर स्ट्रक्चर को अच्छे से ड्रॉ करेंगे आप लोग तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, एकदम परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप जरा ट्राई करो, इसको लिखो और आप समझ। ठीक है, तो ये ऑक्सो एसिड ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट खासकर, और ऑक्सो एसिड फ्रिक्वेंटली जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ज़्यादा बनाते हैं, बाकी इसके बाद के एलिमेंट जो है बड़े एलिमेंट हैं उनका ऑक्सो एसिड कम बनते हैं या नहीं बनते हैं लगभग। ठीक है, बट हाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड मोर कॉमन है। ठीक है, नोट कर लीजिए पूरा।